SBI PAPL एक ऐसा लोन है जिसका ऑफर अगर आपको बैंक प्रोवाइड कर लेता है तो आप इस लोन को SBI योनो ऐप के माध्यम से फोर्थ क्लिक में अवेल कर सकते हैं। लेकिन गाइस, PAPL ऑफर बैंक हर किसी कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करता है। बैंक कुछ गिने चुने कस्टमर को PAPL लोन प्रोवाइड करता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं आप PAPL लोन के लिए एलिजिबल कैसे हो। आप काफी टाइम से SBI का अकाउंट यूज कर रहे हैं, SBI का जनरल सेविंग अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो आपको अपने अकाउंट में PAPL का पर्सनल लोन ऑफर कैसे प्रोवाइड होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं SBI योनो ऐप को लॉग इन कर लेता हूँ। जैसे ही आप SBI योनो ऐप को लॉग इन करेंगे, आपके सामने SBI योनो ऐप का होम इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो वीडियो में आप देख सकते हैं जहां पर योनो कर्सी लिखा हुआ है, इसी सेक्शन में आपको SBI PAPL पर्सनल लोन का प्री अप्रूव्ड ऑफर शो करता है। या फिर अगर आप PAPL की एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक SMS सेंड करना होगा 567676 पर। PAPL आपको टाइप करना है और एक स्पेस देना है। उसके बाद आपके सेविंग अकाउंट नंबर है उसके लास्ट 4 डिजिट आपको एंटर करने हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जब आप ये SMS अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से सेंड करेंगे तो बैंक की तरफ से विथिन 5 मिनट में रेस्पॉन्स आ जाएगा। अगर आप PAPL लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो बैंक आपको SMS प्रोवाइड कराएगा। उस SMS में आपकी लिमिट भी मेंशन रहेगी। जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं, योनो करेंसी जहां पर टाइप किया हुआ है, इसी के सेक्शन में आपको प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर का जो सेक्शन है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको जनरल इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है, जैसे कि आपको कितना लोन लेना है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। बाकी सारी आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, वो आपके अकाउंट में मेंशन रहती है और बैंक आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर प्रोवाइड करता है आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को ट्रैक करके एंड एनालाइज करके। तो गाइस, अगर आप SBI PAPL के लिए यानी कि प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ी मैं जानकारी देता हूं। अगर आपका सैलरी अकाउंट SBI बैंक में है तो आपको PAPL जल्दी मिल सकता है, क्योंकि बहुत से सैलरी अकाउंट होल्डर को देखा गया है कि जिनका भी सेविंग अकाउंट SBI में है और सैलरी अकाउंट भी SBI में है, उन अकाउंट होल्डर को PAPL बैंक जल्दी प्रोवाइड कर लेता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपका अकाउंट SBI में है, आपका जनरल सेविंग अकाउंट है SBI में, तो भी आपको PAPL का पर्सनल लोन जो ऑफर है वो प्रोवाइड कर सकता है बैंक। तो गाइस, अगर आप अपने जनरल सेविंग अकाउंट में SBI के सेविंग अकाउंट में हाई ट्रांजैक्शन मेंटेन करते हैं, हाई ट्रांजैक्शन करते हैं, हाई बैलेंस मेंटेन करते हैं, तो भी आपको बैंक की तरफ से PAPL ऑफर प्रोवाइड हो सकता है। तो गाइस, SBI PAPL के लिए एलिजिबल होने का कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। ये बैंक के सिस्टम के अनुसार कुछ गिने चुने कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में हाई बैलेंस को मेंटेन करते हैं, हाई ट्रांजैक्शन करते हैं, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री बेहतर है, आप अपने लोन रिपेमेंट टाइम पर करते हैं, कुछ ऐसी जानकारी को बैंक ट्रैक करके ये जो प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन है SBI का PAPL लोन है, वो SBI अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड बैंक करता है। इस लोन में आपको 10% के अप्रोक्स आपको इंटरेस्ट रेट पे करना होता है और आप ओनली 4 स्टेप में इस लोन को अवेल करके इंस्टेंट अपने सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं। इस लोन पर आपको 1.5% का प्रोसेसिंग फीस लगता है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, अगर आपको PAPL मिला है और आप अप्लाई करते हैं तो प्रोसेसिंग फीस जितने पैसे आपके सेविंग अकाउंट में अवेलेबल होने जरूरी हैं। अगर आपके अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं है फिर भी आप PAPL को अप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पे लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। और एक बार अगर आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको दूसरी बार लोन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप अप्लाई करें PAPL के लिए तो आप अपने अकाउंट में एक बार चेक कर लीजिए कि प्रोसेसिंग फीस इतने पैसे अवेलेबल है या फिर नहीं है। गाइस, अगर आपको भी SBI बैंक ने PAPL का पर्सनल लोन का ऑफर आपको प्रोवाइड किया है तो वीडियो के डाउन में मुझे कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए।